subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. Because मुझे proof करना था कि मेरे जीजा का ब्याह हो गया अब उदयन नहीं है. Most embarrassing नहीं है पर अभी zoom नहीं करना. हाँ उनके मैंने 4 दवाइयाँ दी वो एकदम shock हो गई थी इतनी सारी दवाइयाँ. बस अभी तो party शुरू हुई है. रामचरण ले जाते हैं तो वो मंदिर में आते हैं शादी करने के लिए, तो सारे गांव वालों को बताती हूँ कि मंदिर में गए बिकॉज मुझे प्रूफ करना था कि मेरे जीजा का ब्याह हो गया अब उदयन नहीं है. तो मैं हम लोग सब पूरे गांव यहाँ आते हैं, तब तक शादी हो चुकी होती है. तो अभी वही सीक्वेंस हो रहा है कि वो बोल रहा है कि अब उदयन नहीं है, वो अब मेरी वो वाइफ है. तो अभी सब विदाई हो रही थी और वो चले गए. वो एकदम शॉक हो गई थी इतनी सारी दवाइयाँ. वो सुबह शाम 5 दिन 10 दिन सही दवाइयाँ मैंने दी थी. अभी मैं ऐसे फुलझड़ी और जो ऐसी होती हैं जिनमें इतना पोल्यूशन नहीं होता है वही करती हूँ, क्योंकि उससे भी ज़्यादा पोल्यूशन होता है तो पटाखे नहीं फोड़ती. आप भी इतने सारे पटाखे मत चलाए उससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है. और जब भी आप पटाखे फोड़िएगा कॉटन के कपड़े पहनिएगा, बिकॉज अगर आप ऐसे कोई सिल्क या कुछ और पहनेंगे तो बहुत जल्दी फायर कैच करेगा. मुझे ज़्यादा एक्साइटेड है मेरे बर्थडे के लिए. सुबह से डांस कर रही है, सुबह से नाच रही है. मैंने ही बनाया है. और ये इसका कोटेशन है, चिल्ड्रन आर द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज एंड इट्स बेस्ट होप फॉर द फ्यूचर. हैप्पी चिल्ड्रंस डे फ्रॉम जन्नत जुबैर रहमानी. ये लुक मुझे मिला तो है गांव का, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल लुक है, ज़्यादा कुछ भी है नहीं इसमें. फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, मुझे ज्वेलरी में ये एक ब्लैक थ्रेड मिला हुआ है जो कि हम नज़र के लिए डालते हैं. और ये नॉर्मल से रिंग्स दिए हैं मुझे, टॉप्स और बैंगल्स दिए हुए हैं, दो दो ब्लैक बैंगल्स दिए हुए हैं. और एक बिंदी मिली है मुझे जो मेकअप में आ जाती है. और हेयर डो में इतना हैवी हेयर दिया है मुझे, मुझे 2 घंटे से कम लगता नहीं है बाल के लिए. इट्स लाइक 2 मिनट्स का काम है. ये नॉर्मल सी ब्रेड है जो मैं नॉर्मल लाइफ में भी करती हूँ, विद द सेम पार्टनिंग विद एवरी थिंग सेम. और जो ड्रेस में है मुझे नॉर्मल सा सलवार कमीज मिला है कॉटन का, वैसे ये सिल्क का है. और कोल्हापुरी चप्पल्स हैं ये. सबसे ज्यादा इसके पास 2 ही चीजें चॉइस में, गर्लिश वाली चीजें बहुत कम है, सिर्फ गाड़ियां, मामा जगुआर, मामा BMW. कुछ आप कार में बैठी रहेंगे बशीर भी क्वाइट, लेकिन जहाँ आपने कार देखी मम्मी जगुआर वाली मम्मी ये, मतलब इनकी चॉइस जो है एक फोन चाहिए और एक कार चाहिए. I'm only fond of gadgets actually. मुझे फोन वगैरह पसंद है. तो ऐसे मैडम आते हैं कि बस है ना मम्मा. I am very good at sports. I must say that. मैं अपनी तारीफ तो नहीं कर रही, but yes, मुझे स्विमिंग बहुत पसंद है, साइकिलिंग बहुत पसंद है और भी स्पोर्ट्स मैं करती हूँ. तो आई एम काइंड ऑफ स्पोर्टी बिकॉज नॉट बिकॉज इन सब से, लेकिन मुझे हमेशा से ही रहा है. यहाँ तक कि मेरा भाई, मेरे पेरेंट्स, एवरीबडी इज़ लाइक यू नो, हमारा कुछ अगर काम नहीं होता है तो भी हमारे रूटीन्स हैं. सुबह उठ के ये एक्सरसाइज करनी है, ये स्पोर्ट्स करना है, यहाँ जाना है, ये क्लासेस हैं. सो वी आर अलॉट इन टू स्पोर्ट्स. बहुत रेयर बेस्ट फ्रेंड्स मिलते हैं, ठीक है. मुझे ऐसे जो ऐसे ट्रू फ्रेंड्स होते हैं ना वो बहुत कम मिलते हैं. तो फाइनली मतलब 1-2 मिले हैं पहले ऑब्वियसली, बट जैसे कि रीम मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है, बट वो आज यहाँ पर आई नहीं है, है नहीं यहाँ पर. और बाकी मैं अपने पेरेंट्स को कंसिडर करती हूँ अपना बेस्ट फ्रेंड. वर्षा दी मेरी दी जैसी हैं. एंड देन आई फाइनली वो बोलते हैं ना, वो वेट के बाद अनुष्का मिली मुझे, यू नो, विदाउट दैट फेक मास्क ऑन द फेस. सो इट फील्स रियली नाइस कि यू नो, जब आपको कोई नहीं मिलता, कि आप सोचते हो कि भाई कोई होता भी है सच्चा दोस्त कि नहीं होता है, तो फाइनली जब कोई वो वेट के बाद मिलता है तो फिर बहुत अच्छा लगता है. तो अनुष्का इज़ दैट फ्रेंड फॉर मी.
जॉब यू ऑलवेज वॉन्टेड टू ट्राई? जॉब तो मैं बचपन में आई थिंक सब लड़कियों को होता है एयर होस्टेस बनना, सबका मन होता है क्या? बट वो जो इतनी बुरी तरह से निकला है ना मन से, फ्लाइट में जब डर लगा और टर्बुलेंस आया, ऐसा कुछ वो नहीं था मुझे ट्राई करना है, बट वो मुझे उनका गेटअप वगैरह काफ़ी अच्छा लगता था बचपन में जब मैं बहुत छोटी थी, मतलब 6-7 साल की होंगी तब की बात है। The most embarrassing photo of yours? Most embarrassing नहीं है, पर जो मैं आप लोग को दिखा सकती हूँ वो वाली है, देखिए अभी zoom नहीं करना। The scariest thing you've ever done? Scariest thing I've ever done is very childish. आप लोगों ने सुना होगा कि वो ना ऐसे बचपन में नहीं ऐसे बोला जाता है कि ब्लडी मैरी आती है रात को 3 बजे, ऐसे वॉशरूम में जाके ऐसे कैंडल ऑन करके 3 बार ही ब्लडी मैरी बोलना आता है, तो फिर ब्लडी मैरी आ जाती है। तो वो कैंडल वगैरह तो नहीं और रात को 3 बजे भी नहीं, लेकिन मैंने वॉशरूम में जाके 3 बार ही ब्लडी मैरी बोला था, आई नहीं, बट आई नहीं, वो मुझसे डर गई। लास्ट टेक्स्ट यू सेंड समवन? टेक्स्ट किसी को नहीं, टेक्स्ट किसी का नहीं, सिर्फ जियो का आता है मुझे, और अभी आया कि मैंने अपना 90% नेट यूज कर लिया। This is gonna be the funniest words on my phone segment. I'm telling you, everybody will laugh on me. Stop laughing, guys. Come on, everybody is laughing on me. I don't text. I'm so organized. मेरे पास खाने की चीज़ है, मेरे पास टाइम पास करने की चीज़ है और ब्यूटीफुल लगने की चीज़ें भी हैं और सेफ्टी पिन, सारी तो चीज़ें हैं मेरे बैग में, और क्या चाहिए? One music video where you have enjoyed the most. Yes, Ishq Farzi it has to be because वैसे मुझे हर वीडियो करने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन ये इसलिए बिकॉज हमेशा मेरा ही गाना बज रहा था और वो अलग फील होती है कि जन्नत इज द सिंगर, ओ दिस इज द डेब्यू, ओ जन्नत सिंगर है और जन्नत फीचर कर रही है, सिंगर के हिसाब से आपके हिसाब से आपको सिंग करना है, आप ही का तो गाना है, आपने तो गाया होगा, सो दैट फीलिंग इज़ वेरी डिफरेंट फॉर मी कि मैं सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रही थी या मैं सिर्फ उसमें एक्टर नहीं थी, लोग मुझे सिंगर सिंगर भी बोल रहे थे। अ बॉलीवुड मूवी यू विश यू वर अ पार्ट ऑफ? ओम शांति ओम, बिकॉज आई लव शांति's कैरेक्टर, आई लव हर लुक्स एक्चुअली सो मच, द पिंक वन उसका वो हेयर स्टाइल एंड देन वो जो डांस करती है दैट ऑरेंज आउटफिट एंड द ब्लैक वन जिसमें वो जल जाती है, सो जस्ट बिकॉज ऑफ द लुक्स I wanna be a part of. अच्छा अच्छा कुछ एक बार sequel वगैरह बन जाए तो. If you had a chance to invade someone's bag, who would it be? I think bag का मुझे तो पता नहीं कि bag, पर I think करीना कपूर खान का मैं करूँगी, because मैंने अक्सर देखा है जब भी उनके नहीं वो रोड स्ट्रीट वाले पिक्चर्स आते हैं काफ़ी बड़ा बैग होता है, तो आई एम श्योर उसमें कुछ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा और ऑब्वियसली वो इतनी फिट रहती हैं तो काफ़ी हेल्दी चीज़ें होंगी और आधी तैमूर की चीज़ें होंगी, तो आई थिंक करीना कपूर खान। मेमोरेबल बैक स्टोरी टू इट? मेमोरेबल बैक स्टोरी टू इट, ओके, हाँ तो मैं अभी लखनऊ गई थी क्योंकि तीन साल से मैं गई नहीं थी लखनऊ और शूट ख़त्म हुई थी और आयान की भी नहीं चल रही थी और पढ़ाई का भी कुछ स्ट्रेस नहीं था, तो हम सब लखनऊ गए थे एंड दैट्स माई होल फैमिली, और ये हम जिस दिन आ रहे थे उसके एक रात पहले की फ़ोटो है, या दैट्स माई सिस्टर, वो इससे छोटी वाली, मैं इन लोगों से पहली बार मिली, सो शी इज़ सम 2.5 ईयर्स ओल्ड एंड शी इज़ 1 ईयर ओल्ड नाउ, जब गई तो 11 महीने की थी। द मोस्ट इंटरेस्टिंग प्लेस यू हैव एवर विजिटेड? ओके, सो रिसेंटली आई वेंट टू आर्मेनिया येरेवन और वहाँ से 4 घंटे की दूरी पे हम कोई ऐसे विलेज टाइप की जगह थी वहाँ गए और रात में पहुँचे थे, वो बियर्ड इसलिए थे क्योंकि हम रात में पहुँचे थे कुछ 11:30-12 बजे वहाँ पे, और जैसे हम कभी टीवी में नहीं देखते हैं वो पैलेस होते हैं डरावने जिसमें भूत बंगला जैसे पैलेस होते हैं और ऐसे हाँ हॉन्टेड हाउस और यहाँ पे अलग बने यहाँ अलग बने ऐसे ऐसे देख के और हाइट पे बनते जाते, तो सब दिख रहा था ऐसे बना हुआ और लाइट भी नहीं और ऊपर चढ़ के जाना है और ठंडी इतनी और साइलेंट आवाज़ ही नहीं और वो नहीं आवाज़ कान में बजती है वो बज रही थी और बाप रे रात में तो नींद ही नहीं आई और डैडी रात में उठे पानी पीने के लिए देखा विंडो के बाहर ना आउल बैठा है और ऐसे देख रहा है सीरियसली अभी ये एक हफ्ते की बात है एक हफ्ते पहले की बात है उल्लू बैठा बाहर वो बड़ा वियर्ड था। Hey guys, check out our revamped website at www.indiaforums.com to get your daily dose of entertainment.